तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि भारतीय रेलवे की सेवा अगले महीने 1 जून से शुरू होने वाली है, जिसका अनाउंसमेंट स्वयं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया है। 1 जून से 200 ट्रेनें आम जनता के लिए चलाई जाएंगी, जिसका रिजर्वेशन 21 मई से शुरू हो गया है। आप IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इन ट्रेनों में नॉर्मल ट्रेनों की तरह स्लीपर कोचेस, जनरल कोचेस और AC कोचेस दिए गए हैं, जिसे आप अपने सुविधा के अनुसार बुक कर सकते हैं। दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने राज्य सरकार से आग्रह की है कि वे श्रमिकों की सहायता करें तथा उन्हें नजदीकी मेनलाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर लिस्ट रेलवे को दे, जिसे रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए। साथ ही उन्होंने श्रमिकों से आग्रह किया है कि वो अपने स्थान पर रहें, बहुत जल्द भारतीय रेलवे उन्हें गंतव्य तक पहुंचा देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे के वो 200 ट्रेन कौन कौन से हैं और इन्हें किन रूटों पर चलाया जाएगा। उसके लिए आप इस लिस्ट को देखिए। इसमें गोरखपुर से लोकमान्य तिलक तक कुशीनगर एक्सप्रेस डेली चलाया जाएगा, मुंबई से भुवनेश्वर तक कोणार्क एक्सप्रेस भी डेली चलाया जाएगा। और भी ट्रेनें जिसका लिस्ट आप देख रहे हैं, इनमें जो आपके लिए है उसे भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। और अगर आप प्रीमियम ट्रेन में सफ़र करने वालों में से हैं तो ये लिस्ट आपके लिए। इनमें सभी प्रीमियम ट्रेनों के ट्रेन नंबर सहित उनके गंतव्य और प्रस्थान की सूची दी गई है। और दोस्तों, आज यानी कि 22 मई से रेलवे ने ऑफलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे आप अपने नज़दीकी स्टेशन पर जाकर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। रेलवे से जुड़ी ऐसे इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।